नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। रेप आरोपी बाबा नित्यानंद जो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़कर भाग गया था, अब उसकी एक खबर आई है ये कि नित्यानंद ने अपना खुद का एक देश बना लिया है। इसका नाम रखा है कैलाशा। ये एक हिंदू राष्ट्र है। इसका राष्ट्र जानवर है नंदी। हिंदू मानते हैं कि शिव के बैल का नाम नंदी है। कैलाशा का अपना पासपोर्ट भी है, अपना झंडा भी है जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में बिठाया गया हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है जैसे भगवान शंकर की मुद्रा होती है ना, बिल्कुल उसी तरह। और नंदी उसकी तरफ देखते हुए उसकी उपासना कर रहा है। इन्होंने बताया है कि इनके अर्थव्यवस्था में गोल्स हैं एक धार्मिक इकोनॉमी तैयार करना। ये किस तरह की इकोनॉमी होगी हमें नहीं पता, राम ही जाने। खबरों के मुताबिक नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदा, प्राइवेट द्वीप था, और फिर ऐलान किया कि अब ये उसका अपना देश है। इस कैलाशा नाम के देश की अपनी एक वेबसाइट भी है, kailaasa.org। विकिपीडिया पर इसके नाम का एक पेज है, नित्यानंद पीडिया। कैलाशा की वेबसाइट के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। इसका दावा है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, लिंग के हों, संप्रदाय या जाति से हों, एक सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराएगा। उन्हें एक ऐसा देश देगा जहां वो शांति से, सुकून से रहें बिना किसी तरह की हिंसा या दखलअंदाजी के बिना, और अपनी संस्कृति और कला का अपने मुताबिक पालन कर सकें, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकें। ये कैलाशा की वेबसाइट नित्यानंद की अपनी सरकार, अपनी कैबिनेट होने की भी बात कह रही है। डिपार्टमेंट्स के भी नाम दिए गए हैं बाकायदा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इनलाइटेंड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वगैरह वगैरह। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं बताई गई हैं अंग्रेजी, हिंदी और तमिल। इनका कहना है कि दुनिया का कोई भी हिंदू यहाँ की नागरिकता पा सकता है। वेबसाइट पर बताया गया है कि कैलाशा बनाने का मकसद बस इतना नहीं कि सनातन धर्म की रक्षा की जाए, बल्कि ये दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। कैलाशा की वेबसाइट पर लिखा है, कैलाशा बिना सरहदों वाला एक मुल्क है। इसे दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए बनाया गया है जो बेदखल कर दिए गए हैं, जिनसे अपने देश में सही तरह से हिंदू धर्म मानने का अधिकार छीन लिया गया है। अच्छा देखिए, मैं बार बार कैलाशा बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग यही है, ए जुड़ा हुआ है आखिर में, तो हो सकता है कैलाश नाम हो सकता है कैलाशा नाम हो, इंटरनेशनल ऑडियंस को अपील करने के लिए। अब जो भी है, कैलाश या कैलाशा, अब आगे की खबर सुनिए कि इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और यहाँ तक कि सबके लिए मुफ्त खाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी एक दुनिया बनाई जाए, वी स्टैंड फॉर, ऐसा करके लिखा है। इनका एक मकसद है कि मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाया जाए, मतलब ऐसा जीवन जो मंदिर और इससे जुड़ी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता हो। कैलाशा के राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं डिसाइडेड, तो इनकी एक छोटी सी लिस्ट मिली तो हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं कि जैसे इनका राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पशु है नंदी, राष्ट्रीय पक्षी है शार्बम, और राष्ट्रीय चिन्ह है परम शिवा, परम शक्ति, नित्यानंद और नंदी। राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, राष्ट्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक, जहां क्रिप्टो करेंसी भी मान्य होगी। तो ये तो थी कैलाशा की बातें। अब इसकी दुनिया के बाहर, इन दावों की दुनिया के बाहर आकर देखें और बात करें नित्यानंद की, तो उसका सच ये है कि वो बलात्कार का आरोपी है, देश से भागा हुआ है, उसकी तलाश हो रही है। नित्यानंद और विवाह दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ चल रहे हैं। 2010 में उसकी एक कथित सेक्स सीडी आई थी, इसमें वो अरेस्ट भी हुआ था, बाद में जमानत पर छूटकर बाहर आया, फिर रेप के आरोप लगे, उसका ट्रायल चल ही रहा है, गुजरात में भी उसके ऊपर क्रिमिनल केस हैं अपने आश्रम के अंदर नाबालिग लड़के लड़कियों को बंधक बनाने और उन्हें टॉर्चर करने के भी आरोप हैं उस पर। पुलिस का मानना है कि शायद नित्यानंद 2018 के आखिरी कुछ महीनों में भारत छोड़कर भाग गया होगा,
लेकिन इसमें भी एक मिस्ट्री है, वो ये कि नित्यानंद का पासपोर्ट सितंबर 2018 में एक्सपायर होने वाला था, तो उसने इसे रिन्यू करवाने की अपील की थी एक्सपायर होने से पहले, मगर वो अपील खारिज हो गई। जो उसके लिए NOC चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो नहीं मिला उसे। तो फिर सोचने वाली बात है कि बिना पासपोर्ट के वो देश छोड़कर भागा कैसे। ये भी कहा गया कि शायद एक्सपायर होने से पहले ही वो भाग गया हो। ऐसी भी खबरें आई कि नेपाल के रास्ते शायद विदेश भागा। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो लैटिन अमेरिका में छुप के बैठा है कहीं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी नाम आया था, मगर विदेश मंत्रालय का कहना था कि उनके पास ऐसी कोई औपचारिक या ठोस जानकारी नहीं है इस बारे में। तो ठीक ठीक जानकारी ना होने की वजह से फिर प्रत्यर्पण कैसे हो पाएगा। नित्यानंद कहता है कि वो भगवान है, वो अपने भगवान होने का दावा करता है, काफ़ी उलझुलूल और भी दावे करता है, जैसे कि एक ये कि वो एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसकी मदद से गाय, बंदर और शेर संस्कृत और तमिल बोलेंगे। एक ये दावा भी कि उसके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है कि वो गाय, बंदर और शेर के अंदर इंसानों वाले अंग विकसित कर सकता है। एक वीडियो वायरल हुआ था उसका, जिसमें वो कह रहा था कि उसने सूरज को 10 मिनट तक उगने से रोके रखा, मतलब उसने कुछ ऐसा किया कि सूरज 10 मिनट तक नहीं होगा, और ये उसके किए की वजह से हुआ। खैर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर भी हैं हम, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा ऐप है तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपना तो यही देश है, भारत हिंदुस्तान, है ना। चलिए, बाय।